अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें गौरव का फैसला मंजूर है, हम जाएंगे उसके पास कनाडा। रूबी, सवाल ही पैदा नहीं होता। कल तक यही गौरव शादी के लिए मना कर रहा था और आज एकदम से हमें कैसे पता कि ये सच बोल रहा है या झूठ? और रूबी, भगवान ना करे अगर पराए देश में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो कौन होगा तुम्हारा साथ देने के लिए? नहीं, नहीं। देखो रूबी, हम तुम्हारी समस्या अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हमने भी तुमसे वादा किया है ना कि हम तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल कर रहेंगे। रूबी, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते, लेकिन भाभी आप नहीं समझ रहेंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। हाँ रूबी, गौरव से बात हुई क्या तुम्हारी? कबीर, गौरव ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसकी शर्त है कि हम अकेले जाए कनाडा। अगर हमारी शादी गौरव से नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। पता नहीं भाभी क्यों जिद पर अड़ी हुई है कि घर वालों के परमिशन के बिना ही शादी नहीं हो सकती। आखिर लाइफ तो हमारी है ना। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ रूबी, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला होना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे कनाडा जाने में मैं मदद करूंगा तुम्हारी। सच में थैंक यू सो मच कबीर। जय सियाराम। आप फिर से? हाँ, वो कालिंदी ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था, वो उसकी म्यूजिक क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, वो अपने कमरे में ही होगी, हम आपकी मदद करते हैं। नहीं नहीं, अब तो आदत हो गई है। थैंक यू। रूबी, आई एम रियली सॉरी, पर मैं सिर्फ 3 लाख ही अरेंज कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच कबीर, तुम्हारे जैसे दोस्त बड़े नसीब से मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा एक मिनट, ये एक टूर ट्रेवल एजेंट है,
ये मैंने पता किया, ये कनाडा का वीजा ना 2 दिन में लगवा देंगे, और जब तक वीजा नहीं लगता ना तब तक तुम्हारा किसी होटल में रुकने का इंतजाम भी करवा देगा। हाँ थैंक यू, ऑल द बेस्ट रूबी। अच्छा रूबी, हमेशा एक बात याद रखना, तुम कभी भी किसी भी जरूरत में मुझे हमेशा याद कर सकती हो, मुझे कॉल कर सकती हो। हाँ चल, अपना ख्याल रख। आप फिर से रूबी के कमरे में क्या कर रहे हैं? रूबी का कमरा? अरे पता नहीं, मैं बार बार ये गालंदी का कमरा भूल कैसे जाता हूँ। सॉरी। आगे से ऐसी भूल ना हो इसलिए हम आपको खुद मेहमान जी के कमरे तक लेकर जाते हैं। जी। चलिए हमारे साथ इस तरफ। सॉरी। शायद वो मजाक कर रही होंगी, लेकिन हमने आपके पापा के साथ कोई चीटिंग नहीं की। फिर आप पापा के साथ उस रूम पे क्यों नहीं रहती? यहाँ पर क्यों रह रही हो? वो क्या है ना बेटा, आपकी मम्मा और आपके पापा के बीच में एक गेम चल रहा है। अगर आने वाले 7 दिनों में हम वो गेम जीत जाते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज? हाँ। तब तो आप जरूर जीतना। हम भगवान जी से प्रे करेंगे कि हमारी मम्मा जीत जाए। हम ले जाएंगे किचन में, अब हम बिग गर्ल हो गए हैं। अच्छा चल। हम गंदी आंटी को कभी हमारी मम्मा नहीं बनाएंगे। उसकी नौबत भी नहीं आएगी बेटा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभिनव, अभिनव तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे दोनों में से किसी एक को तो दिखाई देना चाहिए ना अभिनव, एक की तो आंखें होनी चाहिए। अरे कालू, इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूँ मैं। इस घर में एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं बिना किसी की मदद के पहुँच नहीं सकता। ठीक है ठीक है, लेकिन ऐसा कैसा प्राइस है जिसके लिए तुम मेरी आंखें बंद करके मुझे लेकर जा रहे हो? लग जाएगा पता कालू, सब्र। रूबी का कमरा? रूबी के कमरे में क्यों लेकर आया मुझे? यहाँ कौन सा सरप्राइज है? अरे मेरी प्यारी कालू, अपनी आंखें खोल कर देखो, जरूर कोई ना कोई सरप्राइज तो मिल ही जाएगा। देखो देखो। हमें माफ कर देना भाभी, हमारे पास घर से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हम जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना।
अभिनव ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? हाँ? ये क्या गेम प्लान है तुम्हारा? अरे अगर रूबी घर से भाग गए तो केट की और रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो घर वालों को सब कुछ सच बता देगी और मेरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। पानी फिर गया। अरे अरे कहाँ जा रही हो? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही गुस्से से बात कर ली रूबी से, नाराज होकर बैठी होगी। हमें उसे बात करनी चाहिए। शाम हो गई, इस समय कहाँ जा रही हो? वो हम ज्योति के घर पर पढ़ाई करने का हमारा प्लान था। एक दो सहेलियां और भी आ रही है, शायद एक दो दिन हम ज्योति के घर पर ही रहेंगे। तो बताकर जाना चाहिए था ना? नहीं, वो लेट हो रहा था ना, इसलिए हमने सोचा रास्ते में आपको कॉल कर देंगे। हम ज्योति के घर के लिए कुछ खाना बना कर देते थे। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। ज्योति की मम्मी ने खाना बनाया है। अब अच्छा, हम अभी चलते, देर हो रही ना। रुको, तुम्हारे बैग का चेन खुला है। जितनी छूट तुमने इस लड़की को दे रखी है ना, इसकी वजह से हाथ से निकली जा रही है। कहीं नहीं जाओगी तुम। इस लड़की को अगर अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने जाना था तो घर में किसी को बता के जाती, ऐसे चुपचाप निकलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लड़की के लक्षण हमें कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। चलो घर के अंदर। बचपन से कभी हमारे माँ बाप ने हम पर भरोसा नहीं किया, इसलिए आखिर जीवन में भी कभी हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। हम नहीं चाहते जो हमारे साथ हुआ हमारी बेटी के साथ भी हो। अपनी बेटियों पर भरोसा ना करने की भूल हम कभी नहीं करेंगे। समाज से हटकर अपने ढाई चावल की खिचड़ी बनाने की आदत तो है तुम्हें, तभी तो तुम्हारा पति तुमसे परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। बहुओं के मामले में पता नहीं इस परिवार को किसकी पनौती लगी है। दादी की बात का पूरा मत मानो, जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। हम जानते हैं तुम हमारे विश्वास को कभी शर्मिंदा होने नहीं दोगी। कालिंदी, तुम रूबी के कमरे में क्या कर रही हो? जिस लड़की के लिए तुमने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लिया, उसे तुम्हारे त्याग की कदर ही नहीं है। क्या मतलब?
रूपी। हे दुर्गा माँ, प्लीज पहली बार कोई दुश्मन के लिए प्रार्थना करती हूँ, कुछ भी ऐसा चमत्कार कर दो कि कुछ हो और रूबी मिल जाए केतकी को, क्योंकि अगर रूबी नहीं मिली तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, वो शीतल भाभी ने बुलाया था, उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो खाना बनाने के लिए। लेकिन हमने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, और खाना बनाने के लिए ऐसे दौड़कर जाने की क्या जरूरत है? वो रहने दो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल तुम जो भी कहती हो उस पर भरोसा होना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो गया है। रूबी कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ गई है वो? ज्योति के घर गई है पढ़ाई करने, 2 दिन वहीं रुकेगी। ज्योति के घर? हे राम जी, रूबी की रक्षा करना और हमें शक्ति देना कि हम रूबी को कोई भी गलत कदम उठाने से रोक सके, उसकी रक्षा करना। पासपोर्ट? वैसे किसी के लिए इतनी जल्दी वीजा का काम नहीं होता है, लेकिन आपके लिए फोन घुमाए हैं मैंने जी, क्योंकि आप अकेली महिला इतना लंबा सफर कर रही हैं। आप जी, थैंक यू। अभी मेरी गाड़ी आपको वीजा के लिए लखनऊ लेकर जाएगी, वहां आपका बायोमेट्रिक होगा और फिर वीजा आते ही लखनऊ से दिल्ली भेजा जाएगा, जहाँ कैनरा ले जाने वाला हवाई जहाज आपका इंतजार कर रहा होगा। ये सब लीगल है ना? अब हमारा मतलब है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए मैडम, आपको भरोसा नहीं है तो आपके पैसे और पासपोर्ट ले जाइए और हमें माफ कीजिए। अब नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। तो ठीक है, चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, ये लीजिए। गौरव, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, 2 दिन में कनाडा पहुंच जाएंगे। सो हैप्पी गौरव। ज्योति, वो रूबी तुम्हारे यहाँ पढ़ने आई है? हाँ, वो अंदर पढ़ रही है, बुलाओ उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। लीजिए मैडम, पानी पीजिए। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू।
भाभी वो दरअसल रूबी कहाँ है ज्योति? ज्योति हमने तुमसे पूछा रूबी कहाँ है? वो गौरव के पास कनाडा जा रही है। वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है यहाँ से सनशाइन टूर एंड ट्रेवल्स के, वहाँ वहीं से उसे फास्ट ट्रैक का वीजा मिलेगा। सनशाइन टूर्स एंड ट्रेवल्स, कल तीन लड़कियां भेजी थी मैंने तुम्हारे पास, समीक्षा दुबे, पूजा पांडे, रूबी तिवारी। ए शब्बो, शाम के लिए तैयार करते हैं उसे, आज किसी का वीडियो बनाएंगे।